नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीजीएल 2023 का पेपर, जो कि 20 जुलाई 2023 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ है। इसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं इन्हें एक एडवांस अप्रोच के साथ आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा आप सभी को सजेशन है कि अगर आप सीजीएल 2024 एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पिछले 3 साल के जो पेपर हैं उनको आप ज़रूर सॉल्व करके जाइए। उसके अलावा हमने आपके लिए ऑफिशियल एप्लीकेशन बना दिया है। जितनी भी शिफ्ट में 2023 का एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट वाइज आपको मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अलग अलग जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया, इनकी भी पीडीएफ हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। डॉक एंड ई बुक वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएंगी। तो इसके लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा यहाँ पर फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक आपके लिए कराने वाले हैं और जो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम रिलेवेंट होगा। तो इसके लिए आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है 5y + 5/y की जो वैल्यू है वो 11 है, तो 22² + 1/22² की आपको वैल्यू बतानी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर अगर हम y + 1/y की वैल्यू निकालें तो 5 यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, यानी कि कितना हो जाएगा 11/5 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर पे जाना है, तो स्क्वायर पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 22² + 1/22² की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करो और इसमें से 2 आप माइनस कर दो। तो इसका स्क्वायर कितना हुआ 121/25 और इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 121 - 25 दूनी कितना हुआ 50/25, यानी कितना आया आपका 71/50। तो यहाँ पे 25, तो 25 दूनी कितना हुआ 50, यानी कि 2 * 21 / कितना जाएगा 25 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्कूल द्वारा दान से अर्जित फंड और सरकारी एजेंसी से प्राप्त फंड के बीच का अंतर क्या है, ठीक है, जबकि टोटल जो फंड है वो कितना है 10 लाख का है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो दान से कितना आता है, डोनेशन से कितना आता है 35%, गवर्नमेंट एजेंसी से कितना आता है 12%, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 23%। तो 10 लाख का 23% निकालोगे तो 2,30,000 आएगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन फिर भी 5 * 5/19% का लाभ प्राप्त करता है, वह 1 किलोग्राम के बजाय कितना फल देता है। देखो अगर कोई भी विक्रेता लाभ कमाएगा तो वो कम तौल के ही कमाएगा। अब देखो 1 किलोग्राम, अगर 1 किलोग्राम में डील करता है इसका मतलब है जो उसका फायदा या नुकसान है वो 1 किलोग्राम में ही आता है। तो यहाँ पे 5 * 5/19% ये किसकी फ्रैक्शन होती है, 1/19 की होती है। इसका मतलब है 19 * 1 का फायदा हुआ, यानी कि 20 की जो वैल्यू है वो 1 किलोग्राम दैट मीन 1000 ग्राम के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 50 ग्राम, यानी कि उसने 50 ग्राम का चूना लगाया, माल कितना दिया 19 * 5 = 95, यानी कि 950 ग्राम माल दिया। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि वह 1 किलोग्राम के बजाय कितना फल देता है, तो वो कितना फल देता है 950 ग्राम फल देता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप आगे से लगा लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है बोर्ड मार्क्स का, इसे सॉल्व करना है। देखो जब हम 8.6 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, ठीक है, और 7.5 दूना कितना हुआ आपका 15। यहाँ पे जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 * 3 = 51 और 17 * 5 = 85, यानी कि 3.5 ये आ गया। माइनस का यहाँ पे देखो 7 * 5 = 35, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17.5। तो इसमें से जब घटाएंगे तो माइनस का 14 बचेगा, तो 15 में से 14 गया तो कितना बचा 1, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि एक फैक्ट्री में राइमा एक काम को 15 दिन में पूरा करती है जबकि जोई इससे 10 दिन में पूरा कर सकती है। फैक्ट्री मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा करना है और इसलिए वह जोई और राइमा को एक साथ काम करने का आदेश देता है, काम पूरा करने में
कितना दिन लगेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें लंबा चौड़ा लिख दिया है। एक्चुअल में ये आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक राइमा है वो काम को 15 दिन में करती है, दूसरी है जोई वो काम को 10 दिन में करती है। तो इसका एलसीएम ले लो, कितना हो गया भाई 30। अब यहाँ पे ये जो है एक दिन में कितने लड्डू बनाती है, दो, ये कितने बनाती है 3। दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में लड्डू कितने बनेंगे 5, बनाने कितने हैं 30, तो 5 6 30, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि ए बी और सी एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रूप में 2600 रुपये प्राप्त किए। सी की मजदूरी क्या होगी? हमेशा याद रखो, जो मजदूरी मिलती है यानी कि जो पैसा मिलता है वो एक दिन के काम के आधार पर मिलता है, और एक दिन का जो काम है वो क्या कहलाता है? कैपेसिटी। तो बस यहाँ पे एक दिन का इनका काम निकाल लो। ए जो है वो पूरे काम को 10 दिन में करता है, बी जो है वो पूरे काम को 15 दिन में करता है, सी जो है वो पूरे काम को 20 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 60, यानी कि ये एक दिन में 6 लड्डू बनाता है, ये 4 लड्डू बनाता है, और ये कितने बनाता है 3 बनाता है। तो एक दिन के लड्डू यानी कि इस कैपेसिटी के हिसाब से इन्हें पैसा मिलेगा। तो 6 4 10 10 3 13 की वैल्यू जो है वो 2600 के बराबर है। तो 13 दूनी कितना हुआ 26, यानी कि 1:1 की वैल्यू 200 के बराबर। सी की मजदूरी निकालनी है तो सी की मजदूरी क्या है 3:3, तो 3:3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 200, दैट मीन 600, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक ठोस शंकु जिसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार क्षेत्रफल से 2 गुना है, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है 6√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई क्या होगी? हमेशा याद रखो, जो शंकु है वो कैसे बनता है? जब हम समकोण त्रिभुज को या तो उसके आधार के पड़ता या ऊंचाई के पड़ता घुमाते हैं तो शंकु बनता है। यहाँ पे क्या दिया है? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr(l), और वो उसके आधार के क्षेत्रफल के से दुगना है। आधार का क्षेत्रफल तो भाई एक सर्किल जैसा ही होता है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr² और इसका दुगना है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, यानी कि l = 2r हो गया। अब देखो l की वैल्यू अगर 6√3 दी है तो r की वैल्यू इससे जस्ट क्या हो जाएगी आधी, यानी कि कितनी होगी 3√3 होगी। अब आपको ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई जो होगी वो √l² - r² होगी। तो हम निकाल लेंगे भाई 6√3 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 36 3 कितना हुआ 108 −3√3 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27 कितना आएगा इसका डिफरेंस √81 बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 9, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक चोर का एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जाता है और उनके बीच की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो कितना है 3 किलोमीटर है। पुलिसकर्मी की चाल 75 किलोमीटर/आवर है और चोर की जो चाल है वो 60 किलोमीटर/आवर है। पुलिसकर्मी चोर को तब पकड़ पाएगा जब चोर किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा, यानी कि यहाँ पे हमें ये निकालना है कि चोर के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। हमेशा याद रखो, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे पुलिस वाला है और चोर यहाँ पे पहुँच गया भाग के, तब इसको चोरी का पता चला और यहाँ कहीं पे वो चोर पकड़ा जाएगा। तो कब पकड़ा जाएगा? जितने टाइम में चोर यहाँ से यहाँ आए उतने ही टाइम में अगर पुलिस वाला यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तभी इसको पकड़ पाएगा। यानी कि जब भी दो चीज़ों का मिलन होता है तो मीटिंग टाइम ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है। अगर टाइम कॉन्स्टेंट होगा तो d1/d2 की जो वैल्यू है वो b1/b2 के बराबर होगी, यानी कि उनके द्वारा तय की गई दूरी का जो अनुपात है वो उनके चाल के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो चाल क्या है, सिपाही की चाल कितनी है 75, चोर की जो चाल है वो कितनी है 60, तो 15 × 75 = 60, चाल का अनुपात 5 और 4 है, यानी कि इनके द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस होगी वो भी 5 और 4 होगी। तो इनके बीच का गैप कितना 1 और 1 की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर दी है। यहाँ पे हमें चोर के द्वारा चली गई दूरी निकालनी, यानी कि 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। अगर सिपाही के द्वारा निकालनी है तो 5:1 की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं cot 85 को क्या लिख सकते हैं cot 90 - 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका tan 5 आ जाएगा, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 90 - 15, तो ये sin 15 आ जाएगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है
वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि कंपेरिजन किससे करना है, इससे। ये पूछ रहा है कि ये जो है इसकी जो वैल्यू है वो इससे कितने प्रतिशत अधिक आएगी। तो अगर 30% की दो क्रमागत अगर हम वृद्धि करें तो टोटल वृद्धि कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100, इस वाले फार्मूले से निकालते हैं, ठीक है। तो 30 + 30 + 30 × 30/100 यानी कि 9 आएगा, यानी कि इसकी जो टोटल वृद्धि आएगी वो 69% आएगी। ऐसे यहाँ पे देखो 30 + 30 - 9 यानी कि ये कितना जाएगा आपका, 30 + 30 कितना हुआ 60, में से 9 करोगे तो कितना जाएगा आपका 51%। तो कितना ज़्यादा है ये 18 ज़्यादा है, और ये 51 से कितना ज़्यादा होगा तो वो आपको निकालना। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे 17 मान लो, 18 है 17 मान लो, तो 17 * 51 होता है, यानी कि अगर यहाँ पे 17 होता तो 1/3 यानी कि 33 से ही 1/3% आता, तो 18 है चूंकि तो उससे कुछ ज़्यादा आएगा, यानी कि 34% के आसपास आएगा या उससे भी ज़्यादा आएगा। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है, इस तरीके से भी आप इस अप्रोच से भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये पूछ रहा है कंपनी पी की मांग कंपनी क्यू की मांग का कितना प्रतिशत है, क्यू की मांग का कितना प्रतिशत है। तो कंपनी डिमांड जो है वो नीले वाले से दिखता है, ठीक है। तो कंपनी जो पी है इसकी डिमांड कितनी है भाई, 3276, और इसका कंपेरिजन किससे करना है, इससे। ये 4550 का कितना परसेंट है यही आपको निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 5 × 2 = 10, 5 × 9 = 45 और 5 × 1 = 5, 91 से काटेंगे तो 91 * 3 = 36, यानी कि 36 बार जाएगा। तो 36 × 2 = कितना जाएगा आपका, 72%, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिकतम छूट प्रतिशत प्रदान करेगी। देखो 6 खरीदने पर अगर 4 चीज़ें फ्री मिलती हैं, इसका मतलब है 6 × 4 = 10, आप 10 माल लेके आए, 10 रुपये का माल लेके आए, और आपने पैसा कितने का दिया, 6 का दिया, यानी कि कितना डिस्काउंट मिला आपको, 4 का डिस्काउंट मिला 10 पे, तो 100 पे कितना होगा, यानी कि यहाँ से डिस्काउंट कितना जाएगा, 40%। ऐसे यहाँ पे देखो 10 चीज़ें ले आए, यानी कि चीज़ें 10 ले आए, और आपने पैसा कितने का दिया, 5 का, यानी कि 5 का आपको डिस्काउंट मिला 10 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 50%। अब यहाँ पे देखो आप 18 और 24 जोड़ोगे तो आपका कितना जाएगा, 8 × 4 = 12, यानी कि 42%। यहाँ से जो डिस्काउंट है ओवरऑल वो कम आएगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ से आ रहा, बी वाले ऑप्शन से, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि एक पुरुष किसी काम को 10 दिन में और एक महिला जो है वो 12 दिन में पूरा कर सकती है। तो बताइए कि एक पुरुष और एक महिला प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये पूछ रहा है दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पुरुष जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, महिला जो है वो 12 दिन में करती है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 60, यानी कि एक दिन में 6 लड्डू बनाता है, ये 5 लड्डू बनाती हैं। दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो एक दिन में 11 लड्डू बनेंगे, तो काम जो है वो कितने दिन में होगा, 60/11, यानी कि 11 × 5 = 55, 60/11 ही दिया है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखो ए बी और सी समानुपात में, अगर ए बी सी समानुपात में है तो B² = आपका ए सी होता है, यानी कि B = √AC होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि B अगर 96 है तो A और C का क्या मान होगा, तो A और C का ऐसी वैल्यू लो जिसका अंडर रूट निकालने पर, मतलब जिसका अंडर रूट निकालो तो वो 96 आए। तो यहाँ पे A बराबर अगर हम 32 ले लें पहला ही ऑप्शन, और B बराबर जो है A बराबर 32 ले लें और C बराबर 288 ले लें, तो देखो यहाँ पे 2 अगर हम इधर भेज दें तो ये कितना हो जाएगा आपका 64, और ये कितना हो जाएगा 144। तो 64 का बाहर निकल के 8 आएगा, इसका 12 आएगा, तो 12 × 8 कितना 96, 96 आ रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये डायरेक्ट पूछ दिया गया है कि ये किसका फार्मूला है। तो ये फार्मूला है आपका sin 2A का। तो साइन का जो फार्मूला, sin 2A का फार्मूला 10 के टर्म में जो है वो ये होता है, ऐसे ही आप याद रखो cos 2A का जो फार्मूला होता है वो 1 − 10² A / 1 + 10² A होता है, ठीक है। इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, ठीक है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका
बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7.25% प्रतिवर्ष, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्ष के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित ब्याज जो है वो 35,100 रुपये है तो निवेश की गई धनराशि क्या होगी, यानी कि 100% की वैल्यू आपको बतानी है। देखो 8 साल के लिए रेट क्या है 7.25%, तो इसका ब्याज कितना हो गया 8×5=40, 8×2=16, 4×4=20, हासिल लगा 2 और 8×7=56 और 2 कितना हुआ आपका 58, यानी कि 56 और 2 कितना हुआ 58, यानी कि यहाँ से कितना आ गया 58%। 6 वर्ष के लिए कितनी रेट है 8.5%, तो 6×5=30 और 6×8=48, 48 और 3 कितना हुआ 51, यानी कि यहाँ से ब्याज कितना आया 51%। और यहाँ पे देखो 4 वर्ष में 6.5% रेट है, तो 4×5=20, 4×6=24 और 2 कितना हुआ 26%, तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6×1=7, 7 और 8 कितना हुआ 15, 8×7=15 हुआ, हासिल लगा 1, 5×5=10, 10×2=12, 12×1=13, यानी कि 135% की जो वैल्यू है वो कितनी है 35,100। तो यहाँ पे 100% की आपको वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी 35,100/135×100। तो इसे सॉल्व कर लो भाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 से अगर हम काटे तो 5×5=10, 5×10 और 5 से काटे 5×10, 5×7=35, 9 से काटते हैं इसे तो 9×3=27 और कितना बचा आपके पास 9×3=27, 8 और 9×9=81, ठीक है। और यहाँ पे कितना जाएगा आपका 9×3=27, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 1300, तो 13×2=13×2=26 और 2 यहाँ पे 3 जीरो और आ जाएंगे, यानी कि 26,000 आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन को आपको मौखिक सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है, 15 व्यक्तियों का औसत भार 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 किलोग्राम को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। देखो जो नया व्यक्ति है अगर 51 किलोग्राम वाले से बदला गया है तो इसका मतलब उसका भार 51 किलोग्राम तो रहा ही होगा, प्लस उसने 15 लोगों में 1.2 किलोग्राम की प्रत्येक में वृद्धि की, यानी कि टोटल 18 किलोग्राम की वृद्धि की, तो इसका मतलब है 18 किलोग्राम एक्स्ट्रा होगा वो, तो टोटल उसका जो भार रहा होगा वो कितना रहा होगा 69 किलोग्राम रहा होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर बीमाओं वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 लंबाई गुड़े चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुड़े ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुड़े लंबाई। तो सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे 5×7 कितना आएगा 35, फिर 7 और 11 को गुणा करोगे तो 11×7 कितना आएगा 77, ऐसे ही आपका 11×5 कितना हुआ आपका 55, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 35 और 55 कितना हुआ 90, 9×7=16, यानी कि 167, 167 दूना कितना हो जाएगा 334, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य, तो 9 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो 8×3 कितना हुआ 11, 11×6=17 और 1×18, यानी कि संख्या 9 से कटती है, तो यही पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, चूंकि एक ही ऑप्शन तो सही होगा, तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है, त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है, बिल्कुल सही बात है। परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र जो त्रिभुज के परिता निर्मित होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अंतः केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90 अधिक होता है, नहीं, 90+ कोण a/2 होता है, ठीक है, 90+ कोण a/2 होता है, तो यही बात आपकी गलत है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे x > 0, x^4+1/x^4 की जो वैल्यू है वो 142 दी है, तो x^7+1/x^7 क्या होगा। देखो इसको बनाने का तरीका दो तरीके से बना, कितने भी तरीके से बना सकते हो, जैसे कि 6 और 1
आपका सात होता है, इससे भी बना सकते हो। चार और तीन ये भी होता है, इससे भी बना सकते हो सात पावर। ऐसे पांच और दो सात, इससे ही बना सकते हो। लेकिन हम किससे बनाएंगे, इस वाले से, क्योंकि हमें चार जो पावर है उसकी वैल्यू दी है। तो x की पावर सेवन को हम लोग क्या ले सकते हैं, x की पावर फोर प्लस वन अपान x की पावर फोर इंटू x क्यूब प्लस वन अपान x क्यूब, और इसमें से घटाएंगे क्या, इसका डिफरेंस यानी कि x प्लस वन अपान x। तो ये होगा इसका, इसकी वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो x की पावर 4 प्लस वन अपान x की पावर 4 बराबर, अगर यहाँ पे 142 दिया है तो अगर हम दोनों तरफ दो ऐड कर दें तो यहाँ पे कितना हो गया 144। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 144 का अंडर रूट लोगे तो कितना जाएगा, 12। अब हमें अगर यहाँ पे x प्लस वन अपान x की वैल्यू निकालनी तो दो इधर जोड़ दें, दो इधर जोड़ दें, तो ये x प्लस वन अपान x का होल अप स्क्वायर हो गया, 14 आया, यानी कि x प्लस वन अपान x की जो वैल्यू है वो अंडर रूट कितनी आ गई, 14। तो x क्यूब प्लस वन अपान x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसका 14 का क्यूब करो तो कितना आ जाएगा आपका, 14 अंडर रूट 14 और माइनस 3 इंटू आपका अंडर रूट 14। तो 14 में से 3 गया तो कितना बचा, 11 अंडर रूट 14 आएगा आपका। तो बस अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे x की पावर 4 प्लस वन अपान x की पावर 4 की वैल्यू कितनी है, 142, और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 11 अंडर रूट 14 माइनस x प्लस वन अपान x की जो वैल्यू है वो कितनी है, अंडर रूट 14। तो बस सॉल्व कर लो, यहाँ पे 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 2 कितना हुआ आपका 46, हासिल लगा 4, 11 इक्कन 11 और 4 कितना हुआ 15, 1562 में से एक जाएगा यानी कि 1561 अंडर रूट 14 आ जाएगा, 1561 अंडर रूट 14, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ये आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप थीटा इज इक्वल टू जीरो मान लो, जब थीटा को जीरो मान लो, क्योंकि थीटा से यहाँ पे कोई शेयर पे फर्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने थीटा को जीरो ले लिया तो बचा क्या, साइन 50 माइनस कॉस 40, तो चाहे इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 40 माइनस कॉस 40। अब 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस 40 आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस टी यू ए एस ए के तहत सर्वांगसम है। अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी एंगल जो हैं वो बराबर होंगे। तो पी क्यू आर जो है वो 60 डिग्री दिया है, पी आर क्यू जो है वो 30 है, एस टी यू जो है वो 60 है, तो टी एस यू की वैल्यू क्या होगी। देखो सिंपली आप समझो, ये इसके सर्वांगसम है, इसका मतलब है जो पी है वो एस के बराबर होगा, तो यहाँ पे एंगल, उसके अलावा आपका जो क्यू है वो किसके बराबर होगा, टी के बराबर होगा, आर जो है वो आपका यू के बराबर होगा। अब देखो एंगल कौन कौन से दिए, क्यू दिया, इसका मतलब टी की जो वैल्यू है वो भी आपकी 60 डिग्री होगी, ऐसे ही आर की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू दी है 30, तो इसका मतलब यू की जो वैल्यू है वो भी 30 होगी। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 60 और 30 90 हो गए, इसका मतलब है ये जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कि पी और एस दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए से शुरुआत करते हुए यदि वे बारी बारी से कार्य करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो ए जो है वो काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, बी जो है वो उसी काम को 18 दिन में करता है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 36, 12 तीन 36, 18 दूनी 36। अब देखो बारी बारी से काम करते हैं, जब भी बारी बारी से काम करेंगे तो ये जरूर दिया होगा काम की शुरुआत कौन कर रहा है, तो काम की शुरुआत कौन कर रहा है, ए, जिससे काम की शुरुआत होगी, चाहे जितने आप चक्कर घूम लो, एक चक्कर दो चक्कर कितने भी चक्कर घूम लो, बारी उसी की आएगी जिससे काम की शुरुआत हुई थी। तो इसने ए ने काम किया पहले दिन, फिर बी ने काम किया, यानी कि दो दिन में कितने लड्डू बनने, 5। अब 5 के मल्टीपल में 36 तक हमें जाना है, तो कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, 35 तक जा सकते हैं, तो 35 बनाने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 से हमने गुणा कर दी, यानी कि 14 दिन में कितने लड्डू बन गए, 35। अब बारी किसकी आएगी 7 चक्कर पूरे होने के बाद, उसकी आएगी जिसने काम शुरू किया, तो बारी किसकी आएगी, ए की। अब बनने कितने लड्डू हैं, 1,
ए जो है वो एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, तो 1 लड्डू बनाने में इसे कितना समय लगेगा, 1/3, यानी कि 14 सही 1/3 दिन में पूरे के पूरे 36 लड्डू बन जाएंगे। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, तो सिंपल क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 12 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड की वैल्यू आपको बतानी है, तो इसका होल आप स्क्वायर कर दो। तो इसका जब होल आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इसका स्क्वायर आपने किया तो इधर 4 का स्क्वायर कितना जाएगा, 16, इसकी वैल्यू 12 दी है, तो 12 जब 16 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 4, इस 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 2। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। बाकी हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, इसी पे आपका ऑल इंडिया लाइव मॉक भी होगा और ढेर सारा जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।